हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने कल एक वीडियो बनाई थी कैम्स आईपीओ से रिलेटेड, तो ऐसे ही आज मैं एक और आईपीओ से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। उसकी सारी डिटेल्स से रिलेटेड हम बातें करेंगे, उसके रिवेन्यू क्या पिछले साल में किस तरीके से हुआ था, उसका प्रॉफिट हुआ था कि नहीं, कंपनी अच्छी है या नहीं, किस में काम करती है, ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है उसका, ओके, और कितने का लॉट साइज है, हम उससे सारी की सारी रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो आइए उस वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको इस तरीके की शेयर मार्केट से रिलेटेड बेहतरीन इन्फॉर्मेशन इस चैनल से के थ्रू मिलती रहे और आपको प्रॉफिट होता रहे। तो आइए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि हमने आईपीओ से रिलेटेड कल बात करी थी, तो वो एक आईपीओ था कैम्स, तो उससे आप रिलेटेड बातें करी थी, तो आई जाके देख सकते हैं आप उस वीडियो को। तो आज दूसरा जो आईपीओ है, तो इसका नाम है कैम्स स्पेशलिटी केमिकल्स आईपीओ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैम्स स्पेशलिटी केमिकल्स आईपीओ, तो काफ़ी बेहतरीन आईपीओ है ये, ओके। इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, किस में स्पेशलिटी रखता है वो भी देखने वाले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। इशू पीरियड देख लीजिए, तो कल की डेट में ही, मतलब मंडे को जब मार्केट खुलेगा, तो लगभग 10 बजे से इसकी बिडिंग शुरू हो जाएगी। तो 21 तारीख से लेकर 23 तारीख, 3 दिन के अंदर अंदर आपको बिडिंग करनी है। 24 तारीख तक आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। इसके अलावा इसके टेंटेटिव डेटेज देख लेते हैं। तो बताना चाहता हूँ कि 21 तारीख को जब ओपन होगा, 23 को क्लोज होगा, ओके, फाइनलाइज आपको 28 तारीख को हो जाएगा। अगर किसी को मिला होगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला होगा तो 29 तारीख को यहाँ पर आपको पैसे वापस हो जाएंगे आपके, ओके। एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स आपको 30 तारीख को शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट में, और 1 तारीख को ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी NSE एंड BSE। तो आप दोनों जगह पर इसमें से आप किसी को भी चूज करके आप कर सकते हैं। तो NSE या BSE में आपको ये लिस्ट होती हुई नजर आएगी। जैसे कि कैंप्स केवल BSE में हुआ था, बट ये NSE और BSE दोनों में। तो आइए इससे रिलेटेड और बातें कर लेते हैं। इशू साइज़ देख लेते हैं एक बार। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो आ रहा है इसका, फ्रेश इशू जो हो रहे हैं शेयर्स, लगभग 1650 मिलियन रुपीज़ के हो रहे हैं, ओके। एंड OFS क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। तो OFS के थ्रू लगभग 45 लाख इक्विटी शेयर्स, जिसमें से 28,05,880 इक्विटी शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है, ओके। तो बात कर लेते हैं इसके अलावा कितना प्राइस इशू है। तो रेंज है इनकी 338 to 340। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कट ऑफ प्राइस पे रखिएगा, या फिर जब आप बिडिंग कर रहे हैं तो, या फिर 340 रुपीज़ के हिसाब से आप रखिएगा। तो आपको 340 के हिसाब से ही होने वाला है, क्योंकि छोटा सा इसका ये साइज़ है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है। जैसे कि आपको दिख रहा है IPO 1650 मिलियन डॉलर, लगभग 300 कुछ करोड़ रुपीज़ का है। और फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। एक लॉट में लगभग आपको 44 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग करनी पड़ेगी, ओके, और मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं, जिसकी प्राइस लगभग 2 लाख रुपये तक होगी। इसके अलावा यहाँ कैम्प्स आईपीओ के लिए, जो जैसे कि आपने देखा है पेशमाइन, तो केवल 10% रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा गया था। तो काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था, मैंने भी अप्लाई किया था 2 लॉट, तो एक भी आईपीओ नहीं मिला था, ओके, उसका एक भी लॉट नहीं मिला था। बट यहाँ क्योंकि 10% ही था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बट यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% रख रखा है, जो एक अच्छी बात है। एज वेल एज QIB के लिए 50% है, जिनमें एंकर इन्वेस्टर भी आते हैं, और एंड जो और 15% रखा है नॉन इंस्टीट्यूशनल्स के लिए। तो आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। एज वेल एज आप देख लीजिए यहाँ पर कि क्या है होल्डिंग क्या है प्रमोटर्स की। तो प्रमोटर्स के पास अभी, ओके, अभी लगभग 100 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर शेयर, 100% केवल प्रमोटर्स के पास ही है। और इस आईपीओ के बाद प्रमोटर्स के पास लगभग 75% के शेयर्स रह जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, ओके। बाद में इन्हें OFS लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेबी का रूल मैट हो रहा है 3 ईयर्स में, जो होता है कि 100% से 75% लाना पड़ा होता है, तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत अच्छी कंपनी है इससे पता चल रहा है, क्योंकि 75% अभी भी प्रमोटर्स अपने पास रखे हुए हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाता है आईपीओ, तो लगभग 95 करोड़ रुपीज़ के, ओके, 13 एंकर इन्वेस्टर, जिनमें से IDFC म्यूचुअल फंड्स, ICICI प्रूडेंशियल्स म्यूचुअल फंड, IIFL, HSBC ग्लोबल एंड मेरा एसेट म्यूचुअल फंड, इन्होंने ऑलरेडी एंकर 95 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स ले चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टिव दिख रहा है इसमें। एज वेल एज ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्योंकि किस लिए आईपीओ ला रहे हैं, ओके, ऐसा तो नहीं है ये कर्ज देना चाहते हैं अपनी कंपनी का, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताना चाहता हूँ ये जो ला रहे हैं, ओके,
अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ला रहे हैं, ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए एज वेल एज जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ होता है उसके लिए चाहिए। ओके, इनका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि ये अपने कर्ज कम करें, इसलिए ये IPO ला रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्टिव भी है। और आपको बताना चाहता हूँ ये जो कंपनी है, ओके, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किस में, HMDC में, ओके, और ये है CMIC में, जो कि फार्मा इंडस्ट्रीज में, ओके, जो फार्मा से रिलेटेड लोग होंगे उन्हें पता होगा क्या होता है CMTC, हेक्सामिथाइल डिसिलेन एंड क्लोरोमिथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोनेट, ओके, ये इसमें ये मैनुफैक्चर ये लीडिंग कंपनी भी है। तो काफ़ी अच्छा ये प्रतीत हो रहा है, एज वेल एज और भी चीज़ें देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो लार्जेस्ट मैनुफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स अक्रॉस द ग्लोब, तो पूरी दुनिया में, ओके, फार्मा से रिलेटेड ये बहुत बड़ी कंपनी है, ओके, जो ये फार्मा से रिलेटेड मतलब फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, जो कि HMDC है एज वेल एज CMIC है। तो पूरे ग्लोब में, इंडिया में ही नहीं, ग्लोब में एक प्लेस रखती है अपना, एज वेल एज लीडिंग ऑयल फील्ड केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑयल फील्ड मतलब जो ऑयल जो कंपनी है ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, ओके, ऑयल सी में जाके या फिर लैंड में, तो वहाँ पर भी ये जो उन्हें भी ये केमिकल्स प्रोवाइड करती है, लीडिंग केमिकल्स, एज वेल एज इनका जो डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, तो इनका जो क्लाइंट बेस है, ओके, वो इंडिया में ही नहीं है, अराउंड द ग्लोब है, ओके, एंड फाइनेंशियल्स भी इनके अच्छे हैं, और हर एक डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है फॉर ईच प्रोडक्ट इसके, जैसे HMDS है तो इसके लिए अलग प्लांट है, CMIC है जो इनके लिए इसके लिए अलग प्लांट है। तो काफ़ी अच्छा इनका स्ट्रेंथ भी है। कस्टमर्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा बिटवीन ये कोरोना पीरियड फार्मा का इंडस्ट्री बहुत चली है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज उभरती हुई नज़र आई है, जिसमें किसी शेयर की कीमत 200 रुपये थी तो वो 1500 रुपये हो गई है बिटवीन ये बिटवीन 6 to 7 months। तो उनमें से जैसे कि लॉरस लैब देख लीजिए, अभी बहुत नाम सुना होगा, और 1:5 का इन्होंने एक शेयर के बदले 5 बोनस शेयर दिया है। तो काफ़ी लॉरस लैब का नाम सुना होगा, अरबिंदो फार्मा का नाम सुना होगा, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज का नाम सुना होगा। तो ये काफ़ी अच्छा है कि इनके कस्टमर्स बेस भी काफ़ी अच्छा है, और बड़ी बड़ी इनकी लेबोरेटरीज़ फार्मा की जो कंपनीज़ है वो इनके कस्टमर्स हैं, एज वेल एज इट ऑल्सो एक्सपोज टू ओवरसीज मार्केट। तो ये ओवर मतलब आपको अराउंड द ग्लोब जैसे की बात करी थी, US, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, जापान, रशिया और दूसरी अदर कंट्री को ये अपने प्रोडक्ट्स अपने केमिकल्स बेचते हैं, एज वेल एज ये API में भी काम करते हैं। तो API क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट होता है, ओके, मतलब अगर सिर में आपके दर्द है तो आप एक गोली लेते हैं, क्रोसिन लेते हैं, तो क्रोसिन में जो दर्द को कम करने के लिए जो इंग्रेडिएंट होता है वो यूज़ कर जो इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं उसे API कहते हैं, और ये कंपनी उसमें भी माहिर है। तो उस तो ये मोस्टली क्या होता है कि API इंडिया में बहुत सारी API चाइना से मंगाते हैं, तो चाइना तो ये कंपनी एक कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटर के लिए भी के उसमें भी यूज होती है। और आपको बताना चाहता हूँ ये चाइना को भी एक्सपोर्ट करती है। रिवेन्यू की बात की जाए तो रिवेन्यू इसका काफ़ी अच्छा है, 18 से 20 के फाइनेंशियल ईयर में 29 से 36 CAGR से ये बड़ा भी है, ओके। और फाइनेंशियल्स देख लेते हैं तो 2017-18-19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर का यहाँ रिपोर्ट देख रहे हैं आप, टोटल एसेट में देखिए किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, 626-970 1730 और 2257 मिलियन इन रुपीज़, ओके, इतने मिलियन रुपीज़ का इनका एसेट बढ़ा है। देखिए एसेट बढ़ता जा रहा है, एज वेल एज रिवेन्यू देखिए रिवेन्यू किस तरीके से बेहतरीन तरीके से बढ़ा है, 899, ओके, 1583, 3053, 2660 मिलियन रुपीज़ किस तरीके से इनका रेवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी कितना अच्छा हुआ है, पहले 29 मिलियन रुपीज़ का था, फिर 263.81 मिलियन रुपीज़, फिर 430 और अभी 488.53। तो इनका जो प्रॉफिट है, ओके, वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है हर एक रेस्पेक्टिव ईयर्स में। तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख लेते हैं, तो आपको ग्रे मार्केट का प्रीमियम के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा था हैप्पीएस्ट माइंड, ओके, लगभग 60-70% का उसका प्रीमियम चल रहा था, जिसकी वजह से जब वो लिस्ट हुआ, ओके, तो क्या हुआ कि 135 प्रीमियम मिला, मतलब अगर आपने जो एक लॉट लिया होगा तो 19,000 रुपये पर लॉट के हिसाब से लगभग आपको प्रॉफिट हुआ होगा उस दिन। और इसी तरीके से कैमकॉन एंड का चल रहा है 93% का ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। और अगर ये जो आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रिस्पेक्टिव डेट दे रखी है,
21 तारीख से 1 तारीख, तो 1 तारीख क्या है, 1 तारीख को लिस्टिंग डेट है। तो अगर 21 से 1 तारीख के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्स नहीं होते इंडिया चाइना का, कुछ वॉर से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्स नहीं होते, यूएस मार्केट में कुछ कॉन्फ्लिक्स नहीं होते, एज वेल एज कोरोना से रिलेटेड कुछ बेकार खबर नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं होता तो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि 10 दिन का अंतर है, 10 दिन में कुछ भी हो सकता है। ओके, और फिर हमें लिस्टिंग गेन, जैसे कि मैंने मेरा पिछला एक वीडियो होगा देखिएगा, SBI और रोजरी बायोटेक के बीच में क्या डिफरेंस था IPO में, तो उसे देख लेंगे तो आपको एक नज़रिया आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप उसे ईजिली देख सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्स नहीं हुआ तो ये 93 नहीं, आपको बताना चाहता हूँ 100 से भी क्रॉस हो जाएगा, जो आप 15,000 रुपीज़ एक लॉट में लगा रहे हैं, तो लगभग 30,000 31,000 तक ये आपका एक ही दिन में हो सकता है, बट आपको मिलना भी चाहिए। तो कल का ही डेट में आप जाके अप्लाई भी कर दीजिए, नो नो इशू, बहुत अच्छी अभी फार्मा फार्मा कंपनी भाग भी रही है, और ये स्पेशल स्पेशलिटी केमिकल्स में माहिर माहिर है कंपनी, और इनका मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो एवरीथिंग इज़ ओके। आप बस जाइए कल की डेट में, बिडिंग करिए। ओके, आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने घर के अलग अलग डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट लगा दीजिए, शायद एक लॉट मिल जाए तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट एक ही दिन में हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर करिए, आपको कोई कोई कमेंट, अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, आपको जवाब दे दूंगा। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन को हिट करिए ताकि नोटिफिकेशन और शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।